इसी सिलसिले में ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी बेंटली ने 1,90,00,000 रुपए की कीमत वाली अपनी नई कार कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया है। 12 सिलेंडर इंजन क्षमता वाली इस कार की टॉप स्पीड 318 किलोमीटर प्रति घंटा है। देश में सुपर लग्जरी कार सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को और तेज करते हुए ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी बेंटले ने कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया है। कंपनी ने भारत में इस कार की कीमत 1,90,00,000 रुपए तय की है। 12 सिलेंडर इंजन क्षमता वाली इस कार की टॉप स्पीड 318 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी आम टू व्हील ड्राइव कारों के मुकाबले कॉन्टिनेंटल जीटी दुनिया के सबसे उन्नत ऑल व्हील ड्राइव तंत्र से लाभ लेती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसके 12 सिलेंडर इंजन द्वारा पैदा होने वाली पूरी शक्ति का उपयोग किया जाए। बेंटले की बिक्री भारत में 45% सालाना की दर से बढ़ रही है। कंपनी को 2011 में भारत में 45 कारों के बिकने की उम्मीद है। वहीं दुनिया भर में कंपनी को 7,000 कारों के बिकने की उम्मीद है। कंपनी भारत में दिल्ली और मुंबई में अपने डीलरों के जरिए कारें बेचती है। देश में सुपर लग्जरी कारों का बाजार जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि बेंटले भारत में बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिजनेस डेस्क, TV9। और अब बात करते हैं LG मोबाइल की, जो दुनिया की सबसे पहले डुअल कोर प्रोसेसर स्मार्टफोन ऑप्टिमस 2X बाजार में उतार रही है। इसकी कीमत है 30,000 रुपए। LG के नए मॉडल ऑप्टिमस 2X के जरिए अपने फोन में अपलोडेड इमेज, वीडियो और गाने